देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। सुना आपने, ये वो माँ है जिसे अभी भी इस बात का यकीन है कि उसके लाल और शेर कहने से उसका नटखट बेटा फौरन उठ जाएगा और उसके पास आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ये तस्वीर देखकर एक बार को आप भी सोचने पड़ जाएंगे कि क्या इस मासूम की जान की इतनी अहमियत है। क्या योगी राज में उत्तर प्रदेश के गाँव में बसे इन लोगों की जान इतनी सस्ती है कि गाँव के कुत्ते अब इन्हें नोच नोच कर खा जाएंगे और प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहेगा। दरअसल मामला हसनपुर तहसील इलाके के थाना सैदन गली के गांव कनेटा का है, जहां एक 8 साल के मासूम बच्चे को खेतों में जाते समय आदमखोर कुत्तों के झुंड ने नोच नोच कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। माँ बाप जब तक इसे अस्पताल पहुंचाते, उसने तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दिया। ये जैसे हम यहाँ पे बैठे थे तो एक लेडीज ने आवाज मारी, ऐसे ऐसे उनका बच्चा कुत्तों ने घेर रखा है और फाड़ रहे हैं बुरी तरह। हम कुछ लोग चुनमुन भी, हम बहुत लोग भाग के गए, हमने इसे छुटाया जाके। और ये बहुत गरीब परिवार से है, इसका बाप भी विकलांग है और बहुत मेहनत से हमने बच्चे को छुटाया। छुटाने के बाद पहले भी कई घटना हो चुकी हैं, एक लड़की पहले भी कुत्तों ने मार दी है, फाड़ के कुत्तों ने उसे खाया और मार दिया थोड़ी। और एक ये राजेंद्र है, इनकी अभी 15-20 दिन पहले दो बच्चे उठा लिए बकरी के, बहुत भागे इनके पीछे, मगर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कुत्तों ने भाग के उन्हें भी खा लिया, खोज ही नहीं दिया उनका। और दो मुर्गी भी उठा ली यहाँ से। और हम ये सरकार से चाहते हैं, ये तो कुत्तों को पकड़वा में ये फिर इन्हें मरवा में। अच्छा, ये जो शिकारी कुत्ते बन गए हैं तो क्या प्रशासन इधर नहीं आता है? नहीं, अभी कम से कम 1 घंटा हो गया पुलिस को फ़ोन करे हुए, मगर 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, पुलिस अभी तक नहीं आई है। कोई और मामला होता तो एकदम पुलिस आ जाती, मगर अभी पुलिस तक नहीं आई है यहाँ। क्या मांग है आप गांव वालों की? हम ये कह रहे हैं कि पुलिस भी आवे और इसे गरीब बेचारों की से मदद मिले कुछ, और इन्हें कुत्तों का पकड़वाएं, वन विभाग वाले भी आवे और नहीं वन विभाग वाले ने आवे, इन्हें ऑर्डर दिया जाए मानने का। इस गांव के रहने वाले गरीब किसान बलवीर सिंह का ये 8 साल का अमित है। गाँव में ही एक स्कूल में ये क्लास 2 में पढ़ता था। बुधवार को दोपहर के समय वो अपने खेत पर जा रहा था, जिस वक्त उसके साथ ये घटना घट गई। अमित के पिता के मुताबिक गांव में 1 साल से आदमखोर कुत्तों का आतंक है और वो इससे पहले भी एक बच्ची को निशाना बना चुके हैं, लेकिन अभी तक वन विभाग इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आदमखोर कुत्तों का आतंक बरकरार है और गांव के लोगों में दहशत फैल गई है। कैसे? किस समय आपके बच्चे खेत पर गए थे? फिर क्या हुआ? तो आपको इसकी जानकारी कैसे लगी? किसी और ने बताया। इस मामले में प्रशासन अब एक दूसरे के सिर पर इसकी जिम्मेदारी फोड़ रहा है। सुनिए डीएम और डीएफओ किस तरह से मामले पर बोलते नजर आए। जनपद का ऐसा एरिया जो खादर एरिया है, वहाँ कभी कभी जंगली कुत्ते आ करके इस प्रकार का आक्रमण कर देते हैं। इसके लिए वन विभाग को और पशुपालन विभाग को निर्देशित कर दिया कि प्रभावी कार्रवाई करें और इस प्रकार की कोई घटना भविष्य में न होने पाए। तो कोई आप लोगों की तरफ से टीम गठित की गई है? हाँ, टीम वन विभाग और पशुपालन विभाग दोनों की टीमें गठित कर दी गई हैं। इसके संबंध में मुझे भी आज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई है। इसके अलावा कल मीडिया के 1-2 लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, तो इसमें जो पता लगवाया गया है उसके अनुसार ये स्ट्रे डॉग्स हैं और उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई है। जहाँ तक वाइल्ड डॉग्स की बात है तो इस जिला में वाइल्ड डॉग्स नहीं पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में केवल एक जनपद चित्रकूट में वाइल्ड डॉग्स पाए जाते हैं। तो आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है इस पर? इसमें सवेरे SDM साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमसे कहा कि विभाग की तरफ से इसमें सहयोग दिया जाए, तो हमने अपने कर्मचारियों को मौके पर भेजा है सहयोग के लिए। अमरोहा से BS आर्या की रिपोर्ट, UP तक।